तो आज सेकंड क्लास टेंथ का केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा, पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था केमिकल इक्वेशन क्या है, रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट किस साइड होता है, प्रोडक्ट किस साइड होता है। फिर हम एक बार याद दिला दें कि किसी भी रिएक्शन या इक्वेशन को बनाने के लिए हम लोग को जो ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है क्या, फार्मूला ऑफ आयंस। फार्मूला बनाना सीखना पड़ेगा। अगर फार्मूला नहीं बना सकते हैं, अगर फार्मूला बनाने में प्रॉब्लम हो, तो कोई भी रिएक्शन या इक्वेशन हम बना नहीं पाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप उसको पहले कर लो, अच्छे से याद कर लो। अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो प्रैक्टिस जितना कर पाओ उतना ज़्यादा बेहतर है। तो आज हम लोग बैलेंसिंग शुरू करते हैं। बैलेंसिंग किसी भी केमिकल इक्वेशन का कैसे करते हैं, काफ़ी सिंपल सा मेथड है। और इस मेथड को हम लोग एक छोटे से टर्म को हीट एंड ट्रायल्स मेथड के नाम से जानते हैं। तो वो है क्या, जैसे हम दो एग्जांपल लिए, Fe2O, Fe3O4H2, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कराकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ली। अब यहाँ देख रहे हैं, इस साइड रिएक्टेंट, इस साइड प्रोडक्ट, इस साइड रिएक्टेंट, इस साइड प्रोडक्ट। दोनों में जो एलिमेंट्स है आपका, दोनों में जो भी आपका रिएक्टेंट साइड का आइटम्स है वो अनबैलेंस है। अब इसको बैलेंस कैसे करें, तो चलो हम मान लो फर्स्ट एग्जांपल को लेकर चलते हैं। तो एलिमेंट्स कौन कौन सा है मेरा, Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों साइड वही है। तो हम यहाँ ले रहे हैं Fe, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन लिया हम लोगों ने। अब नंबर ऑफ एटम जो है रिएक्टेंट साइड कौन कौन सा है, तो Fe कितना है, 1, तो हम लोगों ने 1 डाल दिया। हाइड्रोजन कितना है, 2, तो हम लोगों ने 2 डाल दिया। और ऑक्सीजन कितना है, 1, तो हम लोगों ने यहाँ भी 1 डाल दिया। प्रोडक्ट साइड में देखें तो Fe कितना है, 3, तो 3 डाल दिया। ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 4 डाल दिए। हाइड्रोजन कितना है, सॉरी हाइड्रोजन सेकेंड स्टेप है, तो हाइड्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 डाल दिए। और ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड 4 है, तो हम लोगों ने 4 डाल दिए। अब गौर से देखते हैं, तो Fe आपका रिएक्टेंट साइड अगर देखें तो Fe कितना है, 1, और प्रोडक्ट साइड कितना है, 3। तो इस दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर। तो Fe में रिएक्टेंट साइड हम लोगों ने कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो हम लोग यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ, 4, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यानी कि ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट साइड कितना है, 1, और ऑक्सीजन आपका प्रोडक्ट साइड कितना है, 4। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, कितने से, 4 से, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ऑक्सीजन आपका इस साइड है, तो हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो आप देखिए, जैसे कि 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो आपका Fe बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 भी हो गया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर हम लोग 8H2 डाल देंगे, टोटल बैलेंस हो गया। ठीक उसी तरह सेकेंड इक्वेशन, ये समझ में आया बात को, क्या किया हम लोगों ने, जो एलिमेंट्स था पूरे रिएक्शन का, जो एलिमेंट्स था वो एलिमेंट्स को डाल दिया। अब देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड जो भी एलिमेंट्स या एटम्स है आपका, उसको डाल दिए। तो Fe जो था कितना, उसको डाला, हाइड्रोजन जितना था उसको, और ऑक्सीजन जितना था उसको। उसके बाद प्रोडक्ट में डाल दिए हम लोग जितना था उसको। और तब देख रहे हैं मल्टीप्लाई करके करते हैं क्या, कि जिस दोनों को क्या करना है, पहले एक था यहाँ 3 है, तो इस दोनों को पहले इक्वल कर दिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो डाल दिए 3। फिर उसी तरह ऑक्सीजन को चेक करके कर दिए, तो उस तरह ऑक्सीजन को डाल दिए। तो दो जैसे ही ऑक्सीजन को डाले, तो यहाँ पर डालने के बाद देख रहे हैं क्या कि हाइड्रोजन कितना हो गया, 1, यहाँ पे सॉरी यहाँ 8 डाल दिए हम लोग, 4 2 8। क्लियर है। अब सेकेंड एग्जाम्पल्स लेते हैं, ये फर्स्ट था, अब सेकेंड को लेते हैं। सेकेंड में भी अब देखते हैं एलिमेंट्स क्या क्या है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, डालते हैं सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड कितना है, सोडियम 1 डाल दिए,
हाइड्रोजन कितना है, दो दो डाल दिए। ऑक्सीजन कितना है, वन वन डाल। प्रोडक्ट साइड में देखें, सोडियम कितना है, वन वन डाल दिए। ऑक्सीजन कितना है, वन वन डाल दिए। और हाइड्रोजन कितना है, टू एंड वन थ्री थ्री डाल। अब यहां पर देख रहे हैं क्या, हाइड्रोजन दो दो, यहाँ हाइड्रोजन थ्री है, यहाँ टू है और यहाँ पे टू और वन थ्री है। तो अब यहाँ पर बैलेंस क्या कैसे करें, थोड़ा सा यहाँ पर सोचना है। वो क्या, यहाँ आपका इवन फॉर्म में है और यहाँ आपका ऑड फॉर्म में है मिलाने के बाद। तो अब ये सोचे कि हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर ले कि हम दोनों इवन फॉर्म में आ गए। पहले इवन फॉर्म में लाना है, जब दोनों अगर आपका एक ऑड हो और एक इवन हो तो पहले नियरेस्ट इवन फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ टू है और यहाँ थ्री है। तो अगर यहाँ पर सोडियम जो है, अगर इस दोनों में अगर हम लोग क्या करें, टू से और टू से मल्टीप्लाई कर दें। तो चलो यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ सोडियम में टू से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ भी टू से कर दी। अब जैसे सोडियम तो दो हो गया, अब यहाँ टू से मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन भी दो हो गया और हाइड्रोजन भी दो हो गया। तो हाइड्रोजन तो आपका दो यहाँ है और दो यहाँ है, तो टोटल हाइड्रोजन अब कितना हो गया, फोर। तो यहाँ टू हाइड्रोजन पहले से है, इसको अगर हम लोग टू डाल दें तो फिर ये कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। और ऑक्सीजन भी कितना हो गया, टू हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, रिएक्टेंट साइड में डाल के और फिर इसको निकाल लेते। तो ये एक पैटर्न है, एक स्टेप है, जो स्टेप बाय स्टेप चलने की बात है, लेकिन इतना स्टेप लेकर आप एग्जाम में नहीं चल सकते। तो जैसे ही इसको बैलेंसिंग का आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखेगा कि किस साइड रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में किस साइड एटम्स कम है, किस साइड एटम्स ज़्यादा है, और उसके अनुसार हीट एंड ट्रायल्स मेथड जिसको हम लोग कहते हैं, उसके अनुसार हम लोग बैलेंसिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मिटा दें। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में चल रहे हैं। एक बात फिर हम कह रहे हैं कि हमेशा याद रखना है कि अगर प्रैक्टिस कर रहे हो बैलेंसिंग का तो ज़्यादा बेहतर है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए अगर 10 और 20 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर गए तो निश्चित तौर पर बैलेंसिंग आपको खुद ब खुद बैलेंसिंग आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत हद तक कुछ हद तक हम लोग नाइन्थ में पढ़े थे, याद होगा। ऐसे याद रखने की ज़रूरत क्या है, इसमें से कुछ लोग को आंसू ज़्यादा आता है, गिरता है, कुछ लोग का दिमाग गर्म होता है, तो वो सब चीज़ छोड़कर और अपने सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दें। खैर, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन के नाम से ही क्या होता है, आप जानते हो कि टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर कंबाइंड टूगेदर टू फॉर्म ए बिग सब्सटेंस टू फॉर्म कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी तरह हम लोगों ने सिंपली ले लिया, क्या लिया, हाइड्रोजन क्लोरीन कंबाइन किया हम लोगों ने सनलाइट के प्रेजेंस में, तो बना दिया 2HCl। उसी तरह हम लोगों ने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन किया और बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही फेनोमेना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑलवेज जो है आपका सिर्फ एटम्स ही दिखेगा, वहाँ दो छोटे छोटे कंपाउंड्स भी आपस में कंबाइंड करकर और एक बड़े कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑलवेज टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर सब्सटेंस टू फॉर्म इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ हम लोगों ने CaO करा था हम लोग पहले, क्विक लाइम CaOH का होल टू स्लैग लाइम, ये कॉम्बिनेशन का रिएक्शन है जो आप जानते हो। उसी तरह सेकेंड हम लोग का जो दूसरा है क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज करना मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना, दैट मीन्स कि एक हैवियर सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस। तो इसको ब्रेक डाउन करने का अलग अलग तीन अलग अलग फेनोमेना है। हम लोग हीट के थ्रू भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी पास के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये तीन फेनोमेना आता है किसके अंदर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर, जिसमें से हम लोग फर्स्ट फेनोमेना ले रहे हैं क्या, थ्रू हीट। तो थ्रू हीट से हम लोगों ने क्या किया, एक जिंक कार्बोनेट लिया ZnCO3
ये हीट का साइन है, आप लोग जानते हो ये हीट का साइन है। तो जेड एन सी ओ थ्री जिंक कार्बोनेट को हीट किए तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक चीज यहाँ याद ध्यान दे दो कि आगे जब जाओगे ना चैप्टर में तो इस रिएक्शंस को एक नाम से जाना जाता है, ये एक फिनोमेना है, इस रिएक्शन का एक फिनोमेना है जिसको हम लोग कैल्सिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कैल्सिनेशन रिएक्शन होता है क्या है जो अभी थोड़ा बहुत जान लो, कैल्सिनेशन रिएक्शन जब मेटल और नॉन मेटल्स में जाओगे तो ये फिनोमेना मिलेगा, वहाँ मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का, मेटल को प्यूरीफाई करने का एक ये फिनोमेना है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में हम लोग करते क्या है कि जो सब्सटेंस है उसको हम लोग एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से हीट करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, और हीट करने के बाद जो हम लोग बाहर निकालते हैं इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन रिएक्शन। तो कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, ये थ्रू हीट जो है आपका बात, ये कैल्सिनेशन का फिनोमेना है जो हम लोग मेटल्स नॉन मेटल में देखेंगे कि जिंक कार्बोनेट को हीट किए तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब थ्रू इलेक्ट्रिसिटी देख ले तो हम लोग वाटर को क्या किए, यहाँ वाटर लिए इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कहाँ आएगा, हाइड्रोजन गैस आएगा और ऑक्सीजन आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी लेंगे जैसे ही तो वहाँ पर दो पोल आएगी, एक कैथोड का और एक एनोड का। तो वहाँ पर क्या है, एक टर्म जो है हाइड्रोजन जो एक टर्म है वो एनोड पर और ऑक्सीजन जो एक टर्म है वो कैथोड पर, यानी कि एक एनोड और एक कैथोड के ऊपर डिपोजिट करता है। तो हीट के थ्रू भी हम लोगों ने देखा कि डिकम्पोज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही पास करके हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं। तो थर्ड है मेरा लाइट के थ्रू, तो लाइट के थ्रू हम लोग, लाइट का मतलब सनलाइट, SL लिखे हम लोगों ने सन लाइट। अब यहाँ AgBr लिया, हो सकता है AgCl भी आप ले सकते हो, और ये लाइट के थ्रू जो हम लोग काम करते हैं इसको हम लोग फोटोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं, फोटोलाइसिस। तो ये AgBr को हम लोगों ने लाइट के थ्रू सनलाइट के थ्रू डिकम्पोज किया तो ये कन्वर्ट हो गया Ag और Br2 में। तो ये है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस दोनों से अगर दोनों को कंबाइन करें, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन को, तो बोथ आर रिवर्स टुगेदर, मतलब जो कॉम्बिनेशन में जो हम लोग काम दिखाते हैं या डिकम्पोजिशन में जो दिखाते हैं वो एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। एक में हम लोग को जोड़ना है और एक में हम लोग को तोड़ना है, यानी कि एक में हम लोग को कंबाइन करना है और एक में हम लोग को डिकम्पोज करना है। तो बोथ आर, अगर ऐसे कहें मैथमेटिकल टर्म पर, तो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या यहां से अनुसार करें तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। थर्ड हम लोगों ने लिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी हम लोगों ने देख चुका है नाइन्थ में जब हम लोग लैब कर रहे थे तब, याद होगा ही, भूले तो नहीं होंगे। तो वहां क्या देखे थे हम लोग कि जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। जो हायर रिएक्टिव है वो लोअर रिएक्टिव को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जिंक के साथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का यूज किया, तो यहाँ पर जिंक जो है वो हायर रिएक्टिव है इन कंपेयर टू कॉपर, तो इन्होंने जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस करके बाहर कर दिया और खुद बना दिया जिंक सल्फेट। ठीक उसी तरह Fe और CuSO4, ये रिएक्शन आपको ध्यान में आ रहा होगा, ये हम लोगों ने लैब में किया था। Fe आयरन CuSO4, CuSO4 का कलर क्या था लैब में, ब्लूइस, गुड। और FeSO4 का क्या था, लाइट ग्रीन, वेरी गुड। तो Fe प्लस CuSO4 ये डिस्प्लेस किया तो FeSO4 आया प्लस Cu, तो ये लाइट ग्रीन आ गया था और ये आपका ब्लूइस कलर था, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, लाइट ग्रीन में। तो यहाँ पर कुछ रिएक्टिविटी या मेटल्स का दिए हैं, ये आपको फिर मिलेगा, आपको थर्ड चैप्टर में मिलेगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटासियम होता है, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, और उसके बाद इससे भी लिस्ट सिल्वर, गोल्ड, ये सब आता है। तो ये रिएक्टिव सीरीज है जो हम लोग आगे भी देखेंगे रिएक्टिव सीरीज में क्या होता है, लेकिन अगर अभी से देखते चले तो ज़्यादा बेहतर है कि अगले जब आगे के चैप्टर में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाए। तो ये एक टर्म है आपका कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। आगे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग अगले वाले रिएक्शंस को ले लिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये भी पता है आप लोगों को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां हम लोग बात किए थे क्या कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट्स होगा तो एक कंपाउंड होगा, वहां डिस्प्लेस दिखाएंगे। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि दोनों कंपाउंड्स होगा और दोनों के बीच में ये काम होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ क्या हुआ, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट लिए हम लोग, इसका भी हम लोगों ने किया था BaSO4
का क्या बना था, व्हाइट पीपीटी बना था, याद है ना, व्हाइट पीपीटी जो हम लोग बना रहे, परसिपिटेट, ये परसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो जाता है। तो BaCl2 सोडियम सल्फेट क्या हुआ, बेरियम जो है सोडियम को डिस्प्लेस किया और बना दिया क्या आपका, सॉरी सोडियम जो है बेरियम को क्या किया, डिस्प्लेस किया और आ गया यहाँ बेरियम सल्फेट, और सोडियम जो है क्लोरीन से कंबाइन करके बना दिया सोडियम क्लोराइड। ये भी हम लोगों ने लैब में देखा था, जहाँ व्हाइट पीपीटी बना था, व्हाइट परसिपिटेट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, और इसके बाद लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ था, जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट था उसमें क्या था, एक एलिमेंट से कंपाउंड, अतः डिस्प्लेसमेंट होता था। यहाँ अगर बात करें तो AgNO3 NaBr, फिर वही है क्या हुआ, Na जो है Ag को डिस्प्लेस किया, AgBr, फिर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ जो ये बना, ये येल्लो पीपीटी बनता है, यहाँ पर येल्लो पीपीटी है, ये कौन सा पीपीटी है, येल्लो पीपीटी, और ये कौन सा पीपीटी होगा, AgBr का कैसा बना पीपीटी, कैसा बना पीपीटी का मतलब परसिपिटेट, जो भीतर के बॉटम में बैठा मिलता है, इसका बनेगा येल्लो और इसका बनेगा व्हाइट, इसका येल्लो, इसका व्हाइट, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद एक टर्म आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन को आप लोगों ने कैसे पार्ट किया है, सो देखते हैं। REDOX, RE दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, OX दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड D इज कॉल्ड एंड दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग कह सकते हैं कि दो सब्सटेंस विच एक्ट्स एज बोथ बिहेवियर, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ऐसे रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस दोनों का काम करता हो, दोनों के बिहेवियर शो करता हो, रिडक्शन का भी एज वेल एज ऑक्सीडेशन का भी, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम पर जानते हैं। तो पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया किसको, ऑक्सीडेशन। इसमें कुछ जो चार स्टेप ने यहाँ पर यूज किया है, चार स्टेप, बहुत सारे स्टेप आप जानते हैं, पढ़े भी हैं सेल्फ स्टडी करके, अली ध्यान रखना पढ़ाई के, आजकल इधर उधर ज़्यादा दिमाग है, गोल मटोल आप लोग भी। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन में क्या किए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कोई भी अगर सब्सटेंस है उसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो क्या करता हो, रिमूव होते हुए दिखता हो प्रोडक्ट की तरफ। मान लेते रिएक्टेंट में हाइड्रोजन उसके साथ है, मान लो एक अली और एक गोल मटोल है, तो अगर अली को हम लोग हाइड्रोजन कहें तो वो अगर रिएक्ट करने के बाद वो अली जो है प्रोडक्ट में बाहर निकल जाए गोल मटोल को छोड़कर, दैट मीन्स हाइड्रोजन बाहर निकल गया। जैसे कहने का मतलब कि कोई भी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन रिमूव करते हुए दिख रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन का फिनोमेना है। किसी भी सब्सटेंस के साथ अगर ऑक्सीजन का एडिंग दिख रहा है, ऑक्सीजन अगर उसके साथ जुट रहा है तो वो भी आपका ऑक्सीडेशन का फिनोमेना है। एक टर्म हम नया लिए हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ON, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये आप इस ढंग से समझो कि जैसे चार्ज हम लोग जो पढ़ते थे ना, चार्ज जैसे ऑक्सीजन का -2, ये सब एक ऑक्सीडेशन फिनोमेना है। खैर इसके ऊपर अभी ध्यान नहीं देंगे, जब फेस टू फेस होंगे उस समय देखा जाएगा जब। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम लोग, किसी सब्सटेंस से अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन का फिनोमेना होता है। तो फिर से बोल दें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इस पर एक एग्जाम्पल लिए, जैसे यहाँ देखो सोडियम, सोडियम के साथ हमने क्या, किसको कंबाइन कर दिया, ऑक्सीजन को, तो क्या हो गया, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो बन गया ये, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन के फिनोमेना को क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन, तो ये रिएक्शन क्या कर रहा है का, ऑक्सीडेशन का। दूसरा यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर दिखाएं कि Fe2+ है, वो कन्वर्ट कर गया Fe3+ में और एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, बाहर निकल गया लूज, क्योंकि प्रोडक्ट में बाहर दिखा रहे हैं तो लूज होते हुए दिखेगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिखते ये गेन होता, तो Fe2+ कन्वर्ट हो गया Fe3+ में और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने एक टर्म लिखा है, गौर से दिख रहा होगा, क्या है, RAIL, रेल, सबका फर्स्ट लेटर निकाला हम लोगों ने, रिमूवल R, एडिंग A, इंक्रीज I, लॉस L, रेल, जो रेल आजकल देख रहे हैं बाहर से लोगों को लेकर आ रहे हैं,
अपने अपने घर, वही रेल। तो रेल, आर ए आई एल, रेल। रेल द एक्सॉट फिनोमेना है इस ऑक्सीडेशन का जो हम लोगों ने बनाया। रेल, रेल इजकल टू ऑक्सीडेशन, दिमाग में रख सकते हैं। रेल, आर का मतलब रिमूवल, ए का मतलब एडिंग, आई का मतलब इंक्रीज, एल का मतलब लॉस। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन का फिनोमेना, जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। उसी तरह रिडक्शन में आते हैं। रिडक्शन में क्या किया हम लोगों ने, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लूज कर रहा था, यहाँ गेन करेगा। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर रिमूव कर रहा था, यहाँ पर ऐड हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक इसी का ऑपोजिट है। तो जी का गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जी लिया हम लोगों ने, एडिंग के लिए ए ले लिया हम लोगों ने, रिमूवल के लिए आर ले लिया, और डिक्रीज के लिए डी ले लिया। ये क्या बन गया, गार्ड। तो रेल के अंदर गार्ड भी होता है। दैट मीन्स क्या है कि अगर ये दोनों फिनोमेना एक रेल में अगर गार्ड नहीं हो तो वो आगे की ओर नहीं बढ़ता है, ड्राइवर से आगे की ओर मूव नहीं किया जाता है जब तक गार्ड आपका इंडिकेट नहीं करे कि हाँ आगे मूव करो। दैट मीन्स कि ऐसा कोई भी रिएक्शन अगर है, अगर उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का फिनोमेना नहीं हो रहा है तो वो कंप्लीट रिएक्शन नहीं माना जाता है। अगर कहीं लूज हो रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं गेन हो रहा होगा। अगर गेन और लूज दोनों अगर नहीं हुआ तो वो एटमोस्फेयर को भी बैलेंस नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका पूरा यूनिवर्स लूज और गेन के ऊपर डिपेंड है, चाहे वो हम हो, आप हो, जो भी हो यूनिवर्स का सब। तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसका हम एक यहाँ फिनोमेना, एक रिएक्शन हमने यहाँ यूज किए। तो एफी यहाँ है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है, यहाँ एफी में ऑक्सीजन है नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव कर गया। और ऑक्सीजन अगर रिमूव कर जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जैसे ही रिमूव कर गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम लोग, रिडक्शन कहेंगे, आर। अब यहाँ गौर से देख लो, अल्मोनियम यहाँ क्या है, अकेले है, और यहाँ अल्मोनियम के साथ कौन ज्वाइन कर गया, ऑक्सीजन। तो एडिंग जैसे ऑक्सीजन का हो गया तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा जी, ऑक्सीडेशन। गुड, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। समझ गए बात को। तो इसके ऊपर याद रखना कि इसके ऊपर आपके बुक्स में काफी क्वेश्चंस है जो आपको बनाना है, कंप्लीट करना है बनाकर, तब एक क्लास और होगा, एक क्लास के बाद आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका एंड हो जाएगा। तब इस चैप्टर से हम लोग देखेंगे कि कैसे बोर्ड से क्वेश्चंस इससे अराइज करता है, जो आप जैसे ही बोर्ड में जाओगे एग्जाम देने तो वहां फट से हिंट करे कि वो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ऐसे बन जाएगा। थैंक्स।